दोस्तों हमारी पहली स्टोरी है अमी वंदाई के बारे में। दोस्तों अमी वंदाई ने आसो स्पीड को कॉल किया था जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली बात करी होगी कोलैप्स के बारे में, एंड फ्यूचर में हमें ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक म्यूजिक वीडियो देखने को मिले। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आसो स्पीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कितने बड़े फैन है, बट वो मेसी को पसंद नहीं करते, एंड अमी वंदाई ने कैसे उनको ट्रोल किया ये आप देख ही सकते हो। I would 100% support Virat Kohli for sure, bro. So for me, Virat Kohli. You know what, bro? You know what? I know you like. Yeah, he knows. You know what? Thing, bro. Let me just show you. It's Messi forever. It's Fuck you, boy. Oh, my mama about to come lady. Oh, God, I'm about to come lady. I'm about to come to Mumbai. And I'm about to play a fuck. Nah, it's funny. Nah, tall. Nah, tunic. Oh, God, yeah, babe. Oh, God, yeah, watch this, bro. I'm about to come to India right now, dog. I'm booking my flight right now. दोस्तों चलिए बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ जो कि एमसी स्टैन के बारे में है। दोस्तों एमसी स्टैन का 10 मार्च को एक नागपुर में शो है जिसको लेकर बजरंग दल ने एक प्रपोजल सबमिट किया है पुलिस को, यह बताते हुए कि यह शो कि उनके शो को कैंसिल किया जाए, यह बताते हुए कि उनके शो में वल्गर एंड ऑब्सीन लैंग्वेजेस का यूज होता है वगैरह वगैरह, एंड उनके सॉन्ग्स के थ्रू वो लोगों को ड्रग्स एंड अल्कोहल को प्रमोट करते हैं जिससे यंग जनरेशन मिसलीड हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक उनका शो कैंसिल नहीं हुआ है, और अगर आगे कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, एंड प्लीज फॉर दैट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह स्टोरी है सिडनी हॉर्न्स के बारे में, ही बिलोंग्स टू फ्लोरिडा। दोस्तों इन्हें पुलिस ने 1988 में अरेस्ट किया था और इन्हें 400 साल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह पिछले 34 साल से जेल में बंद है और अभी रिसेंटली उनको रिलीज किया गया था बिकॉज ही वॉज प्रूवन नॉट गिल्टी। दोस्तों उनका फैमिली के साथ आफ्टर 34 ईयर्स रीयूनियन हुआ, एंड वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है जैसे कि आप देख ही सकते हो। दोस्तों जहां हम एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, वहीं कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं गलत तरीके से। दोस्तों एक ऐसा ही केस देखने को मिला है जहां एक ऐसी ही लड़की जिसका नाम इलियाना विलियम्स है जिसको पुलिस ने रिसेंटली अरेस्ट किया है, जिनको 8.5 साल की सजा सुनाई गई है बिकॉज शी फेक दैट शी वॉज बींग रेप्ड। उन्होंने यह आरोप पास्ट में कई लड़कों पर लगाए थे इन बिटवीन 2016 टू 2020। दोस्तों इलियाना विलियम्स ने फेसबुक पे भी काफी पोस्ट डाले थे इसी के रिलेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट 3 लड़कों ने सुसाइड भी कर लिया था। सो अभी ये अरेस्ट और इन्हें 8.5 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों अगली अपडेट है हमारी भुवन बम के बारे में जो कि रिसेंटली मिले राजपाल यादव से, सो एज अ फैन वी कैन एक्सपेक्ट दैट इनका कोलैब वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है अमन धलीवाल के बारे में, इन्हें आपने जोधा अकबर मूवी में देखा ही होगा। रिसेंटली इन यूएसए ही वॉज डूइंग वर्कआउट इन द जिम, एंड एक बंदे ने आकर उन पे अटैक किया। ये वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे, उनको काफी ज्यादा चोटें भी लगी हैं जैसे कि आप देख भी सकते हो, लेकिन जल्द ही उस बंदे को काबू कर लिया गया एंड उसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ। दोस्तों अगली अपडेट है मिस्टर बीस्ट के बारे में। दोस्तों उनसे रिलेटेड एक ट्विटर पे एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि मिस्टर बीस्ट का डेथ हो चुका है, जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये लिखा जैसा आप देख सकते हो। दोस्तों अगली अपडेट है आईपीएल के बारे में, शायद कोई ऐसा ही होगा जिसको आईपीएल पसंद ना हो, और अभी रिसेंटली आईपीएल का सीजन ही आने वाला है इसी मंथ में, आई थिंक इसी मंथ के 30 मार्च को ये शुरू भी होने वाला है। दोस्तों आईपीएल देखने के लिए जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमें हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जिसके लिए उनका सब्सक्रिप्शन प्लान है मंथली वाइज, बट अभी रिसेंटली जियो सिनेमा ने उनको ट्रोल करते हुए ये पोस्ट किया। दोस्तों जिस पे लोगों ने उल्टा जियो सिनेमा को ही ट्रोल करना चालू कर दिया, उनका कहना था कि दे आर रेडी टू पे द अमाउंट टू हॉटस्टार क्योंकि एटलीस्ट हॉटस्टार की एप्स लैग नहीं करती हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जियो सिनेमा की ऐप काफी ज्यादा लैग करती है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि एल्विश यादव के बारे में। दोस्तों एक इवेंट था स्कूल में जिसमें एल्विश यादव भी गए हुए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनके फाउंडेशन के थ्रू 10 बच्चियों को पढ़ाने का जिम्मा लिया गया है, जिससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया था न्यूज़पेपर में जिसको एल्विश यादव ने भी शेयर किया था। दोस्तों इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आगे हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस।